हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। हिमाचल को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप खुद को चेकआउट करें कि आप कितने पानी में हैं, कितने क्वेश्चंस आप टैकल कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको मॉडिफाइड क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स, दिए गए कथनों पर हमने विचार करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 सिंगी धार हमीरपुर में सबसे लंबी श्रृंखला है और इसे कांगड़ा में चिंतपूर्णी और जसवा धार जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्या ये सही बात है या फिर ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर को कांगड़ा जिले से अलग करती है, क्या ये सही बात है या फिर पुरम में सीरखड हमीरपुर को ऊना जिले से अलग करता है। क्वेश्चंस आप सभी ने देख लिया, ऑप्शंस आप सभी ने रीड कर लिए। अब मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, पहले तो हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। इनकी पहला पॉइंट कहता क्या है, 16 सिंगी धार हमीरपुर में सबसे लंबी श्रृंखला है। सही बात है, लेकिन इसे कांगड़ा में चिंतपूर्णी और जसवा धार जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नहीं, इधर कांगड़ा नहीं होगा बल्कि इधर सिर्फ ऊना होगा। ठीक है, इसे ऊना में चिंतपूर्णी और जसवा धार जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहाँ पर छोटी सी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिली, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर को कांगड़ा जिले से अलग करती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पूरम में सीरखड हमीरपुर को ऊना जिले से अलग करता है, क्या ये सही है। देखिए, पूरम में सीरखड हमीरपुर को मंडी से अलग करता है, तो यानी कि यहाँ पर मंडी होना चाहिए था। ठीक है, छोटी छोटी नोटिफिकेशंस और भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 ओनली। क्लियर, बाकी डिस्क्रिप्शंस भी आप रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। अगर आप इन एग्जाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी एग्जाम है, ठीक है, तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजानपुर टीरा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। मैं आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो बताइए सुजानपुर टीरा की यात्रा करने वाला पहला प्रथम यूरोपीय कौन था। क्या ये ट्रेवेट था, मूर क्राफ्ट था, थॉमस कोरियाट था या फिर नन ऑफ दिस, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेवेक। फ्रेंड्स, सुजानपुर की यात्रा सर्वप्रथम ट्रेवेक नाम के एक जर्मनी था ये। ठीक है, और उसके बाद मूर क्राफ्ट नामक एक ब्रिटिश यात्री द्वारा की गई थी। ये जितने भी ट्रैवलर थे, ठीक है, ये इन्होंने कहाँ कहाँ पे विजिट किया और कौन कौन से इन्होंने बुक्स लिखी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए कथनों पर हमने विचार करना है। स्टेटमेंट देखिए क्या क्या है कि राजा हमीरचंद ने हमीरपुर में किला बनवाया और इस शहर का नाम संसार चंद ने रखा, क्या ये सही बात है या फिर राजा अभय चंद ने टीरा सुजानपुर की स्थापना की थी, क्या ये सही बात है या फिर राजा हमीरचंद ने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया, क्या ये सही बात है या फिर मंडी का राज सेन 12 साल तक नादौन में बंदी रहा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने ऑप्शन देखिए कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ओनली। लेकिन बाकी भी हमें क्लैरिफिकेशंस होनी जरूरी है। ठीक है, देखिए, राजा हमीरचंद ने हमीरपुर में किला बनवाया और इस शहर का नाम संसार चंद ने रखा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राजा अभय चंद ने टीरा सुजानपुर की स्थापना की थी, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, राजा अभय चंद ने ही टीरा सुजानपुर की स्थापना की थी। क्या यहाँ पर थर्ड होगा, राजा हमीर चंद ने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, तो यहाँ पर छोटा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, राजा हमीर चंद ने नहीं बल्कि राजा संसार चंद के काल में ही हमीरपुर बहुत अधिक सुर्खियों में आया, उन्होंने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया और इस स्थान पर महल और मंदिर भी बनवाए। ठीक है, तो छोटा सा था, यहाँ पर राजा हमीरचंद ने नहीं बल्कि राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट देखिए, मंडी का राजा
मंडी का राज सेन 12 साल तक नादौन में बंदी रहा, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कथन था, ये जो स्टेटमेंट थी, ये रोंग है, बल्कि यहाँ पर राजा संसार चंद ने सुजान कुटीर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वेल डन, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं इसका, सॉरी ये तो ऊपर का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजा संसार चंद की सुकेती रानी प्रसन्नी देवी द्वारा बनवाया गया था। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के क्वेश्चन आइए, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्या ये नर्मदेश्वर मंदिर, द्योटसिद्ध, बिकलेश्वर टेम्पल या फिर गौरी शंकर टेम्पल। यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजा संसार चंद की सुकेती रानी प्रसन्नी देवी द्वारा बनवाया गया है, बताइए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नर्मदेश्वर टेम्पल, ठीक है, हमीरपुर के सुजानपुर में ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी है, मुरली मनोहर और नर्मदेश्वर मंदिर जो थे आपके वो 1790 और 1823 में ये बनाए गए थे। नर्मदेश्वर मंदिर राजा संसार चंद की सुकेती रानी प्रसन्नी देवी द्वारा ये बनाया गया था। और आपको पता है कि द्योटसिद्ध बाबा बालकनाथ, ठीक है, आपको पता है कि बाबा बालकनाथ कहाँ पे है, द्योटसिद्ध में है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर है, ठीक है, जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि आप गुफा की उस पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं, ठीक है। तो बस छोटी सी यहाँ पर, और नादौन बिलकलेश्वर मंदिर महादेव मंदिर के लिए भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी, क्लियर। तो क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सा मंदिर राजा संसार चंद की सुकेती रानी प्रसन्नी देवा देवी द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये नर्मदेश्वर टेम्पल था ये, ठीक है। और बाकी द्योटसिद्ध भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है, बिकलेश्वर टेम्पल भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर भी हमने स्टेटमेंट के ऊपर कंसिडर करना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं, 1823 में नादौन की जागीर राजा हमीर चंद के बेटे जोधवीर चंद को दी गई थी, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या गलत है, आपने बताना है मुझे बाद में। जोधपुर जोधवीर चंद के कार्यकाल में देश का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, या फिर राजा नरेंद्र चंद को वाइसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, या फिर लास्ट पॉइंट कहता है कि 1980 में नादौन तहसील बनाई गई। अब यहां पर हमने देखना है कि कौन सा कथन सही है, अब आपने मुझे ये बताना है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर देख लेते हैं, 1823 में नादौन की जागीर राजा हमीर चंद के बेटे जोधवीर चंद को दी गई थी, क्या ये सही बात है या नहीं। देखिए पहली बात तो ये कि 1823 में नादौन की जो जागीर थी वो राजा हमीर चंद के बेटे को, बल्कि संसार चंद के पुत्र थे ये, ठीक है। जोधवीर चंद कौन था, ये राजा संसार चंद का पुत्र था ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, राजा जोधवीर चंद राजा संसार चंद के पुत्र थे और उन्हें 1823 में उनके परिवार के भरण पोषण के लिए नादौन जागीर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर राजा हमीर चंद नहीं होगा बल्कि संसार चंद के पुत्र थे ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्लियर होगी। जोधवीर चंद के कार्यकाल में देश का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के क्राउन को स्थानांतरित किया गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, राजा नरेंद्र चंद को वाइसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो यानी कि ये भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1980 में नादौन तहसील बनाई गई थी, क्या ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1980 में टीरा सुजानपुर नादौन भोरंज नामक तीन तहसीलें यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट निकल के आया है वो वन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, ठीक है। आपको पता है कि पंजाब के पुनर्गठन के बाद हमीरपुर को 1966 में हिमाचल में विलय कर दिया गया था। 1 सितंबर 1972 को विलय किए गए क्षेत्रों में जिलों की पुनर्व्यवस्था परिणाम स्वरूप हमीरपुर को हमीरपुर और बर्सर की दो तहसीलों को एक साथ अलग जिले के रूप में बनाया गया था यहाँ पर, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तहसील मुख्यालय नदौन से बदलकर हमीरपुर किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था, जल्दी से बताइए, क्या 46 में, 68 में, 88 में, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1868 में। क्लियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर और क्लियर करवा देता हूं 46 का भी, ठीक है। देखिए 1846 में अंग्रेजों द्वारा कांगड़ा पर कब्जा करने के बाद नादौन को तहसील मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है, और इस बंदोबस्त को 1868 में संशोधित किया गया था, और इसके परिणाम स्वरूप तहसील मुख्यालय नादौन से बदलकर हमीरपुर कर दिया गया। 88 में हमीरपुर और कांगड़ा तहसील के क्षेत्रों को मिलाकर पालमपुर तहसील बनाई गई, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इतने क्वेश्चंस इंक्लूड थे, ठीक है। अब आपने खुद को चेकआउट करना कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आपके कितने क्वेश्चन जो थे वो सही हुए, कितने क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाए, ठीक है, क्योंकि हमीरपुर छोटा सा रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपके कांगड़ा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, ठीक है, चंबा हो गया, शिमला हो गया, मंडी हो गया, ये जो आपके अपर साइड के क्वेश्चन है, अपर एरिया के क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट फिर भी हमने लास्ट में बिलासपुर को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, हमीरपुर भी हमने डिस्कस कर लिया, और यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। और हिमाचल के सब एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।